हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आइकिया हॉल। बैंगलोर में आइकिया खुल चुका है और ये वीडियो मैं थोड़े दिन के बाद अपलोड कर रही हूँ। मैं अराउंड जुलाई या अगस्त में गई थी आइकिया, एंड देन उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें ली तो इसीलिए मैंने एक हॉल बनाया था। बट आज जब मैं एडिट कर रही थी, कुछ चीज़ मैं थोड़ा बिजी हो गई थी तो मैं एडिट नहीं करने पा रही थी। तो आज मैं एडिट कर रही थी तब मैंने देखा कि आई डोंट नो, माइक शायद बंद हो गया था, तो इसलिए उस पूरे वीडियो का ऑडियो नहीं है। सो इसकी वजह से मैं वॉइस ओवर करने वाली हूँ, तो आपको मैं चीज़ें भी बताते जाऊँगी जितना मुझे याद है, क्योंकि अभी हर चीज़ हर एक जगह प्लेस डेराइट वहाँ से निकालना और फिर वो फील नहीं आएगा हॉल का। की वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं इस फुटेज को ही यूज़ करूँ और वैसे ही मैं आपको पूरा दिखाऊँ। सो आई होप आप सबको ये पसंद आएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। साथ में आइकिया ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो आइकिया में था वो काफ़ी अच्छा था। मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा आइकिया के बारे सोचा था। बट जब मैं वहाँ गई तो एक तो मुझे खाना बहुत ही ज़्यादा एवरेज लगा, मीट बॉल जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था, आई वॉज नॉट दैट इम्प्रेस्ड विद दैट। बट बाकी फूड भी ठीक ठाक था, प्राइस रेंज बैंगलोर के हिसाब से लाइक ठीक ठाक था, यही प्राइजेस में आपको खाना मिल जाता है। तो आप कोशिश करो कि 2 या 3 बजे से पहले ही आप पहुंच जाओ ताकि भीड़ थोड़ा कम आपको मिले। तो जैसे ही हम एंटर कर किया, हमने किया था, तो पहले वो फ्लोर है जहाँ पे आपको सारा सेटअप दिखेगा, तो आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिल सकता है अपने लिविंग रूम, बेडरूम या कुछ भी आप जो करवाना चाहोगे इंटीरियर वो भी। सो फर्स्ट फ्लोर में आपको दिखेगा, जैसे आप एंटर करोगे फूड कोर्ट के बाद, पूरा आपको दिखेगा किस तरह से बेडरूम का सेटअप, लिविंग रूम का और किचन का, वो सब आप देख सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप फ्लोर नीचे जाओगे, कम से कम 3 से 4 घंटे आपको आराम से लग जाएंगे। तो आप पानी अपना लेके जाओ, कुछ स्नैक्स लेके जाना है तो वो भी लेके जाओ और उसके बाद पूरा एक्सप्लोर करो। मुझे प्राइजेस जो है वो ठीक ठाक लगा, मुझे ऐसा लगा डीमार्ट से ऑब्वियसली क्वालिटी और रेंज बहुत ज़्यादा हाई था और होम सेंटर से जो प्राइजेस है ना वो थोड़ा सा कम है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अफोर्डेबल रेंज में ये चला जाता है प्रोडक्ट्स। साथ में जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो भी आप पिक कर लेते हो कि क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रेंज आपको मिल जाएंगे चीज़ों का, सो इसीलिए सोच समझ के आपको यू नो शॉपिंग करना पड़ेगा। सो चलो और कुछ ना बोलते हुए मैं जल्दी से ये हॉल स्टार्ट करती हूँ। सो ये है पहला डब्बा। सो डब्बा आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप अगर आइकिया जाते हो तो आप चाहो तो अपने साथ सामान लेके जा सकते हो। अगर आपको लगे कि सामान बहुत ज़्यादा हो गया एंड यू कैन नॉट कैरी, जैसे हम मेट्रो से गए थे तो इसकी वजह से हमारा जो सामान था वो काफ़ी वेट भी हो गया था, तो इसीलिए हमने प्रेफर नहीं किया लेके जाना। तो नॉमिनल चार्जेस लगते हैं और आप अपने घर पे इसे डिलीवर करा सकते हैं। जो चार्जेस हैं वो इनके वेबसाइट में अच्छे से लिखे हुए हैं। तो जो पहला प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये है एक प्लांट वास, और इस तरह के रेंज के बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगे। अभी मुझे इसका प्राइस याद नहीं है बट मुझे ऐसा लगता है ये मुझे less than 400 rupees में मिला है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर मल्टीपल स्टिकर्स लगे हुए। स्टिकर जब निकाला मैंने, अभी मैं यूज़ कर रही हूँ इसको, तो जब मैंने निकाला तो इसका जो कोटिंग है ना वो निकल गया था। तो आप कोशिश करें कि जैसे ही आपको ये रिसीव हो उसी टाइम आप इसे निकाल दो। सो ये मैंने 2 लिए हुए हैं, दोनों मैं आपको दिखा देती हूँ। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है सेट ऑफ ग्लासेस। ये 6 ग्लासेस है एक सेट में, और ये विस्की ग्लासेस आप बोल सकते हो ना, वो ग्लासेस हैं। और इसे हमने जब देखा तो हमें लगा कि जो रेस्टोरेंट्स और सारे जगह पे जो ग्लासेस मिलते हैं ना, बिल्कुल उसकी तरह ये दिख रहे थे। ये मीडियम साइज़ के हैं तो अच्छे से आप जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया वो भी आप सर्व कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा था। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, लिटरली मैंने बहुत कुछ बोला था बट अब मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मैं इसे करने नहीं पाई। सेम ही मैंने एक और सेट लिया जिसमें सेट ऑफ 4 ग्लासेस है। ये सेम डिज़ाइन है बट ये बड़े वाले हैं जिसमें आप पानी वानी पी सकते हो। तो हम जैसे घर पे कुछ बनाते हैं नींबू पानी या यू नो मॉकटेल कॉकटेल, वो उसके अंदर अच्छे से क्वान्टिटी में सर्व कर देते हैं।
सो पहला वाला जो डब्बा था वो हो गया है ख़त्म और मैं खोल रही हूँ ये दूसरा वाला डब्बा और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान है। आप आइकिया जाते हो ना तो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो भी आप ले लेते हो। मेरे साथ ये हुआ, मैंने रियलाइज़ किया कि जो चीज़ें मैंने प्लान नहीं की थी लेने की वो मैंने ले लिया। सो आप थोड़ा केयरफुल रहो, आपको चीप लगेगा बट मुझे उतना ज़्यादा चीप ये नहीं लगा। सो गाइस जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो होगा ये कर्टन्स। तो ये कर्टन्स मैंने लिए और साथ में मैंने इसकी मैचिंग में कुशन्स भी मिल रहे थे तो वो भी मैंने चार ले लिया है। एक कुशन का दाम अराउंड 249 रुपीज़ का मुझे पड़ा हुआ है। कुछ डिस्काउंट चल रहा था आई थिंक इसी की वजह से जो कॉस्टिंग थी वो काफ़ी सस्ती थी तो ये दोनों मैच कर रहा था इसीलिए मैंने लिया। और ये जो कर्टन है इसका कॉस्ट था 1999 और दो रहते हैं एक पैक के अंदर, पर गलती से मैंने बहुत लंबा वाला ले लिया था, 7 फीट वाले की जगह 9 फीट वाला ले लिया था। इसके साथ साथ एक विंडो कर्टन मैंने लिया है, इसका MRP ऐसे 1400 है बट मुझे ये मिला था 799 में, इसमें कुछ ऑफर चल रहा था इसीलिए मैंने ये लिया था। इसके साथ आप देख सकते हैं ये रग मैंने लिया हुआ है, ये 999 में मुझे मिला था बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस तरह के रग के लिए आप मत जाओ। ये बेसिकली रग नहीं होता है, जो दरी बोलते हैं ना जिसको आप ऐसे ही बिछा देते हो घर पे, बचपन में आपने देखा होगा मम्मी वम्मी बिछाती है, बिल्कुल वैसा ही है। एंड ये कुछ भी यूज़ नहीं आता है, अगर आपके घर का थीम कलर वाइट है तो एकदम ब्लेंड हो जाएगा फ्लोर पे। मैंने कोशिश की थी यूज़ करने की पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इसका कलर, एंड प्लस ये गंदा बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है। सो मैं सजेस्ट करूँगी आप कि आप बिल्कुल भी मत लेना इसको। सो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है वो है एक बाथरूम। ये बाथरूम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मुझे लगता है कि आइकिया का सबसे बेस्ट परचेज ये है मेरा। ये अराउंड 2000 रुपीज़ का था या 2500 रुपीज़ का था, इसमें कुछ भी डिस्काउंट नहीं था। कपड़े का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और अगर आप थोड़े से लंबे हो और चौड़े भी हो मेरी तरह तो ये आपको परफेक्ट होगा। आप L/XL करके आता है साइज़, वो आप ले सकते हो। इसके साथ साथ ये वाला जो है ये आप वार्डरोब में देखोगे आजकल बहुत फैंसी चला हुआ है ना, आप कट कर करके उसको लगा सकते हो इन प्लेस ऑफ जो पेपर, आप हम पेपर यूज़ करते हैं कबर्ड में राइट, उस जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये भी मैंने ले लिया था, ये अराउंड लेस देन 200 रुपीज़ का मुझे पड़ा था। मैंने सोचा था कि चलो एक बार ट्राई करती हूँ, इसकी वजह से ये भी मैंने अभी ट्राई कर लिया है, मुझे कुछ उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। आप पेपर से आराम से काम चला सकते हो। इसके बाद मैंने कुछ स्टोरेज के डब्बे लिए थे और ये बहुत ही ज़्यादा कम रेट्स के थे, आई थिंक सेट ऑफ 4 था एंड इसका प्राइस लेस देन 100 रुपीज़ है, दोनों ही 100 रुपीज़ से कम का है। एंड इसमें आप चीज़ें बहुत अच्छे से रख सकते हो फ्रिज के अंदर, एक के ऊपर एक स्टैक करके आप रख सकते हो, चाहे तो फूड स्टोर कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो सब्जी या फिर आप जो भी राइट फ्रिज में रखते हो उसके स्टोरेज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसे भी आप कुछ भी स्टोर करके रख सकते हो। सो दिस वॉज अ गुड बाई फॉर मी। और इसके बाद फिर मैंने लिया है 2 प्लांट रखने के लिए पॉट्स। अब देख सकते हैं देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसके अंदर आर्टिफिशियल प्लांट्स में रखने वाली हूँ। इसका जो प्राइस है ये मुझे लगता है लेस देन 150 रुपीज़ का था, ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसके बाद इस तरह के स्टोरेज आप बोल सकते हो फ्लैट स्टोरेज के लिए जो होते हैं ना वो भी मिल रहे थे आइकिया में, और ये बहुत अच्छा है कि आप जो बॉटल्स सजा के रखना चाहते हो ना तो वो काफ़ी अच्छा रखने के लिए हो जाता है। सो ये भी मुझे काफ़ी कम रेट में मिला था, लेस देन 100 रुपीज़ के थे पर पीस। एंड इसके बाद अगेन कुशंस, 4 कुशंस मैंने लिया था जैसे कि मैंने बताया था, ये भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का था, मुझे काफ़ी पसंद आया। एंड इसके बाद मैंने ये जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा राइट, ये है बेसिकली प्लेट्स को स्टैक करके रखने वाला ओके। बट इसमें दिक्कत क्या हो गई थी कि जो साइज़ मैंने लिया था उसमें कोई भी प्लेट आ नहीं रहा है। मैंने स्टील का प्लेट ट्राई किया, अपने नॉर्मल जो यू नो डाइनिंग सेट वाले प्लेट्स होते हैं, आई डोंट नो ये क्या साइज़ था, मैंने गलत साइज़ उठा के लेके आया। तो मैं अभी डिस्कवर कर रही हूँ किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो ये मेरा एक वेस्ट हो गया, ये भी अराउंड 400 रुपीज़ का था, 400 या 700 के आसपास का था।
इसके बाद जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये मुझे काफ़ी पसंद आया था। ये थोड़ा एक्सपेंसिव था, 800 से 900 के रेंज के बीच में था। तो ये बेसिकली आपका वो कैंडल स्टैंड जैसा है, तो मैं अपना एक कॉर्नर डेकोरेट कर रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं इसमें थोड़े से आर्टिफिशियल लाइट डाल के रख दूँ। तो एक्चुअल कैंडल्स मैं नहीं जलाने वाली हूँ, बट जो लाइट्स होते हैं ना वो इसके अंदर डाल के एंड देन एज अ आर्टिफैक्ट मैं इसे रखूँगी। सो ये ऑलमोस्ट मेरा ये सेकेंड वाला डब्बा ख़त्म होने वाला है। एंड इसके साथ साथ दो मैंने थ्रो लिया हुआ है, और ये बेसिकली मेरे सोफ़ा थोड़ा सा फट गया था, सो इसको कवर करने के लिए मैंने इसे लिया हुआ है एज अ थ्रो नहीं, बट जब सिटिंग आप करते हो ना, बैठते हो तो नीचे क्योंकि हल्का सा वो टियर होना स्टार्ट हो गया है, तो मैं उसको यूज़ करूँगी। और एज अ थ्रो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसका MRP 799 है मुझे जहाँ तक याद है, और एक वेरिएंट इसका मिलता है जो कि 1,000 रुपये का था, सो ये 799 का था। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ऑर्गेनाइज़र। सो ये है आपका वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र बोलते हैं ना वो है, एंड ये इसका ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का था एक्चुअली, और ये काफ़ी बड़ा भी था। तो आपने पहले वाला मेरा ऑर्गेनाइज़र का अगर वीडियो नहीं देखा है तो अब मैं लिंक कर दूंगी। अमेज़ॉन से जो मैंने मंगवाया था उसके कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी। एंड ये दो हमने लिया था, और इसके बाद ये स्टील के दो कंटेनर्स मैंने लिए थे, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। तो इसके अंदर जैसे घी होता है पराठा वराठा बनाने के लिए होता है ना, हर टाइम हम घी यूज़ करते हैं, तो मैंने उस पर्पज़ से इसको लिया है कि मैं इसके अंदर घी स्टोर करके रख सकती हूँ। तो एक मैं यूज़ कर रही हूँ घी या तेल आप बोल सकते हो उसको रखने के लिए, एंड सेकेंड वाला बेसिकली कुछ रखना है छेना वेना फ्रिज में, तो इसके अंदर मैं यूज़ करती हूँ। स्टील की क्वालिटी का बहुत अच्छी थी, एंड इसकी MRP भी आई थिंक 300 रुपीज़ से कम की थी या उससे भी कम हो सकती है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। बट ये मैं आपको बोलूँगी अगर आप चाहो तो इसे आराम से बाय कर सकते हो। इसके बाद एक छोटा सा स्टूल मैंने लिया हुआ है, आप देख सकते हो आइकिया अगर अमेज़ॉन में है तो आप देख सकते हैं इस तरह के टूल आपको मिलेंगे। ये 300 से 400 के रेंज का था, हमको असेंबल करना है, तो ये भी काफ़ी अच्छा परचेज मुझे लगा इंटायरली। एंड ये मैंने इसलिए लिया कि वीडियोस के पीछे ना मुझे कुछ कुछ सजा के रखना अच्छा लगता है, लाइक कैंडल्स एंड ऑल, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ या फिर कुछ प्रोडक्ट डेमो के लिए भी। सो जैसे कि मेरे एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं मैं कितना ही ज़्यादा चीज़ें आपसे बोली होंगी जब मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो शॉट किया था, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू आइकिया, और मैंने इंटायरली शेयर किया था क्या मुझे फील हुआ कैसा मुझे लगा, बट क्योंकि ऑडियो चला गया आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट। बट आई होप आपको अच्छा लगा होगा, शायद आई डोंट नो ये सिंक हो रहा है नहीं हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी यूज़ कर ली हैं और सब कुछ यहाँ इधर उधर हो चुका है राइट। तो अभी मुझे एक साथ करके दिखाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता, तो इसी की वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं वॉइस ओवर ही कर दूँ, एंड यू पीपल नो हाउ मच आई लाइक शेयरिंग दीज हॉल्स विथ यू, एंड आई होप आपको समझ में आएगा। एंड रियली सॉरी कि इस तरह का कोई वीडियो मुझे अपलोड करना पड़ रहा है। एंड इसके साथ साथ दो और चीज़ें मैंने ली है, एक है आर्टिफिशियल प्लांट अराउंड 5 फीट का है जो मुझे 5,000 रुपीज़ 5,000 या 6,000 रुपीज़ के बीच में पड़ा। साथ में एक लैडर मैंने लिया जिस पे आप चीज़ों को सजा के रख सकते हो, मैं एक कॉर्नर क्रिएट करने का कोशिश कर रही थी तो इसी के लिए मैंने लिया, वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल रेट में मुझे मिला, इट वाज अराउंड 3,000 रुपीज़, और मैं उन दोनों चीज़ों का क्लिप इसके अंदर डाल दूँगी। सो आई होप आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, अगर आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ ये कैसी लगी आप सबको। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर आपको इन डेप्थ रिव्यू चाहिए या कुछ चाहिए तो मैं बता सकती हूँ, सारे प्रोडक्ट अच्छे थे, ओनली जो प्लांट पॉट्स थे उससे मुझे थोड़ी सी शिकायत थी क्योंकि उसमें जैसे ही मैंने स्टिकर हटाया उसका पेंट निकल गया। ओके, अदर देन दैट सारी चीज़ों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो अगर मैं ऐसे लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि डी मार्ट से ऑब्वियसली क्वालिटी इज़ फार 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 बेटर, एंड होम सेंटर से थोड़ा चीप है। ओके, दैट्स ओनली द डिफरेंस, अदर देन दैट
और कुछ ज़्यादा नहीं है। और आप कोशिश करो, जाओ जाके विज़िट करो, एक टाइम का अच्छा एक्सपीरियंस है, बट पैसे भी काफ़ी खर्च हो जाते हैं। तो चलो अब मैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।